आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे 30 जुलाई 2019 के बारे में और डेली राशि फल के माध्यम से मैं हर रोज आपके साथ जुड़ता हूं और आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता है। दोस्तों, आज आपको एक बात और बतानी थी कि हमारी एक वेबसाइट है 99advice.com, उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सावन से जुड़ी हुई और रक्षाबंधन से जुड़ी हुई मैंने वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स वहाँ पर डाले हुए हैं, पढ़िए उनको और उनको अपनी ज़िंदगी में उतारिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलें और लाइक शेयर करने में कोई कंजूसी मत बरतिएगा। देखिए, अभिजीत मुहूर्त कल रहेगा 12 बजे से लेकर 12:54 तक और राहु काल, जिसमें आपको कोई ऑस्पिशियस काम नहीं करना है, वो रहेगा 3:49 से लेकर 5:29 तक, तो इस बात का आप ध्यान रखें। मेष राशि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मेष राशि वाले रोमांचक होते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं साझेदारी की तरफ आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप साझेदारी, कई तरीके की होती है सर, बिजनेस में होती है, जीवन में होती है और जहां आप काम करते हैं वहां पर होती है, तो अगर कोई साझेदारी करना चाहते हैं तो दिन कल बहुत अच्छा है। और कुछ मानसिक चिंताओं का दबाव अभी भी चल रहा है, उसे ख़त्म करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट मारने होंगे और कहीं ना कहीं स्थितियों को अपने तरीके से चलाना होगा। आज आपके और आपके पार्टनर से अगर आपकी मुलाकात हो रही है और कोई गिले शिकवे हैं, तो मैं कहूँगा कि निर्णय लें उसके ऊपर। संभावना है कि आज आप दोनों बैठकर इस संबंध में नफा और नुकसान का एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए, ये ज़रूरी है, चीज़ों को लंबा चिंगम की तरह खींचने से कोई फ़ायदा आपको होगा नहीं। देखिए, अपनी जो स्थिति है उसे शीट्स पर लेके जाइए, अपने आप को फोकस रखिए और इसमें आपको आपके पार्टनर की ज़रूरत पड़ने वाली है। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा और जिनका रिलेशनशिप अभी स्मूथ चल रहा है उनमें और अच्छी स्थितियां आती हुई दिखाई देंगी। चलिए बात करते हैं वृषभ राशि की, कि वृषभ राशि वालों कुछ बेचैन दिखाई दे रहे हैं और जिससे स्थितियाँ जो हैं वो ज़्यादा गंभीर होती हुई जा रही हैं। देखिए, इस सिर्फ चिंता करने से कुछ नहीं होगा, आप चाहें अगर तो आप बहुत कुछ नया कर सकते हैं। कुछ करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको ये देखना होगा कि गलती कहाँ पर हो रही है। जब आप अपनी गलती को पहचान लेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी स्थितियाँ बहुत ही बेहतरीन होती हुई आपको दिखाई ज़रूर देंगी। बस इतना ही कहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा सजग होकर चलाएं, देख कर चलाएं और अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा संभाल कर चलाने की आवश्यकता है। रोमांस का माहौल अभी इतना नहीं है, इसलिए अपने आप को थोड़ा सा उधर की तरफ ना सोचें, कैरियर की तरफ सोचें तो बेहतर रहेगा। कुछ नए अवसर आपको प्राप्त कल मुझे लगता है कि आपको हो सकते हैं। देखिए, यहाँ जो भटनागर अभी है, इसके अंदर जो फॉलो आपको दिख रहा है, ये भटनागर अभी 24/11 है। ये जो ग्राफिक डिज़ाइनर है मेरे, उन्होंने 24/11 इसमें से काट दिया था, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो @भटनागर अभी 24/11 मेरी आईडी है। देखिए, मिथुन राशि वाले थोड़े से हल्के फुल्के मूड में हैं और समस्याओं का जो सामना है वो आप मुस्कुरा कर रहे हैं। आपकी मौजूदगी काफ़ी खुशनुमा है और सांस से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएँ आपको हो सकती हैं और एलर्जी की दिक्कतें आपको कल हो सकती हैं। अपनी वर्तमान स्थितियों को थोड़ा सा संभाल कर चलाने की आवश्यकता रहेगी और कहीं ना कहीं पार्टनर के साथ कुछ स्थितियां ऐसी हैं को जो आपको बहुत ज़्यादा संभाल कर चलाने की ज़रूरत है। आज मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है तो आवाज़ आपको अच्छी नहीं आ रही होगी, इस बात के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। थोड़ी तबीयत मेरी आज सही नहीं है। आपको धैर्य और कर्तव्य के साथ अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा और कहीं ना कहीं राह में जो बाधाएँ हैं उनको बहुत ही तरीके से आपको देखना होगा। देखिए, स्थितियाँ मैं कहूँगा कल बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रह सकती, नहीं रहेंगी, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा प्रेशर कल झेलना पड़ेगा। इसके लिए अभी से अपने माइंड को मेकअप कर लें, क्योंकि कल स्थितियाँ जो हैं वो एवरेज कही जा सकती हैं। कर्क राशि के बारे में बात करना चाहूँगा तो यहाँ पर तो थोड़ी सी बारीकियों पर ध्यान देना होगा आपको, कहाँ गलती हो रही है, किस जगह आप चूक रहे हैं, बैक टू द बेसिक्स पर जाकर अपनी मेहनत को दोबारा से देखना होगा। देखिए, मेहनत प्रिपरेशन आपकी पूरी है, लेकिन कहते हैं ना कि कहीं से अगर मग्गे में लीकेज हो जाए तो सारा पानी निकल जाता है, तो वो लीकेज हो रही है कहीं से, या तो वो सोर्सिंग में आपके हो रही है या कम्युनिकेशन में कहीं लीकेज है,
तो मैं कहूँगा कि थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता आपको रहेगी। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मैं कहूँगा कि जाहिर कर दो भाई, कहाँ सोच विचार में हो, नहीं तो भैया समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। देखिए, धीरज का फल मीठा ज़रूर होता है, लेकिन इतना धीरज भी ना करें कि वो फल ही सड़ जाए। तो इस बात का ध्यान आप अपने आप रख लें, और ये समय बहुत महान प्रभावों के लिए है और अत्यंत उत्तम है। और इस समय में अगर आप संवाद यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स अपने डेवलप सही से कर लें तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे और स्थितियां आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों थोड़ा सा लचीलापन फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी पड़ेगा, नहीं तो स्थितियाँ अच्छी नहीं होंगी। अपने दिल की आवाज़ तो सुने ही सुने, साथ साथ अपने मन को भी साथ लेकर चलें। किसी चीज़ पर अड़ियल होना आपके लिए अच्छा नहीं है कल के दिन। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ज़िंदगी में जो आपको बुरा समझ रहे हैं, फ्लम्बॉयंट समझते हैं। देखो, ज़्यादा परवाह ना करो, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। और कहीं भी आप जाते हैं तो पीछे दिनों की जो यादें हैं वो आप साथ लेकर चलते हैं उसे, तो उन यादों को याद करने से मुझे लगता है कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आपको चाहिए कि आगे जीवन में आगे देखें तो बेहतर रहेगा। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र और आर्थिक लक्ष्यों के प्रति कुछ प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करें तो स्थितियां बेहतर हो सकती हैं। अगर आप कंप्यूटर क्षेत्र में काम करते हैं तो आपको कल कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी जॉब्स की मिल सकती हैं। कुल मिलाकर दिन ठीक ठीक कहूँगा, बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत बुरा भी नहीं। कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, कुछ खुशखबरी प्राप्त हो सकती है कल, और निवास स्थान से बदलाव संभव है। कुछ नए घर खरीदने की स्थिति बन सकती है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और जिससे स्थितियां बेहतर रहेंगी। आज का दिन आपके लिए कुछ स्वास्थ्य में आपको थोड़ी बहुत दिक्कतें देकर जा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप संतुलित भोजन करें। आज का दिन परिवार के साथ बिताएं और परिवार से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम अगर आपको करना है तो कल कर डालें। ऐसा लग रहा है कि जैसे कार्यस्थल में आपकी यात्राओं की लागत दिन ब दिन बढ़ रही है, इसलिए और कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको जबरदस्ती यात्रा करने पर आपको फोर्स कर रहे हैं, और कुछ राजनीति चल रही है आपके खिलाफ आपके ऑफिस में। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मैं कहूँगा देखभाल करना है, और ज़्यादा अभी रिएक्ट करने का समय नहीं आया है, थोड़ा सा रुक जाइए। आप रिएक्ट करिएगा जब मैं बताऊँगा आपको। तुला राशि, देखिए, अपने वैचारिक मतभेदों को भुलाने का समय है और कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का समय है। अगर आप आसानी से सबकी बात को मानते चले जाएंगे तो लोग आपको रौंद कर आगे बढ़ते चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखें कि हर चीज़ किसी की नहीं मानी जा सकती, कुछ लोग नाराज़ भी होने चाहिए ज़िंदगी में। कहने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा है कि आप हर आदमी को खुश नहीं रख सकते। देखिए, अपने काम को प्राथमिकता दें तो बेहतर रहेगा। आज आशावादी और कूटनीतिक होकर चलें तो बहुत बेहतर रहेगा, और अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें तो बेहतर रहेगा। आपका साथी आपके बारे में गलत सोच सकता है, और कहीं ना कहीं इस बात का आपको ध्यान देना है। अपने सहयोगियों के साथ कदम मिलाकर चलें, समीक्षा करते चलें और टेस्ट करते चलें कि कौन आपके साथ है और कौन आपके विरुद्ध काम कर रहा है। कुछ आस्तीन के सांप पाले हैं आपने, उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए उन पर। वृश्चिक राशि, कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई चुपचाप काम कर रहा है और आपको भनक भी नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं बैठा हूँ ना आपके लिए, आपको बता दूंगा कि कौन क्या है। देखिए, आपको कल पक्के सबूत मिलने वाले हैं कि कौन आपके खिलाफ है और कौन आपके साथ है, और आप ऐसे मतलब लीनियंट हैं, इतना विश्वास करते हैं उस व्यक्ति के ऊपर कि कहीं ना कहीं वो आपके लिए दिक्कत का काम बन रहा है। तो अभी से थोड़ा सा सजग होकर चलिए, और एक लेसन मिल रहा है आपको कि आपको ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना। आप एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हो वृश्चिक, आप कहाँ दूसरों के चक्कर में आ रहे हो। आप दूसरों की बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, और ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलेंगे कल जो आपसे दुनिया भर की बातें करेगा। आपकी किस्मत अच्छी है, लेकिन आप इस आदमी को उतनी महत्ता नहीं देने वाले कल जितनी वो चाहता है आपसे। इस वजह से उसे निराशा होगी, आपको नहीं होगी। आपकी जो वित्तीय स्थिति है उसमें थोड़ी सी परेशानी नजर आ रही है। अपने जो बकाया है, जो आपने पैसे देने हैं, वो दे दबा के छुट्टी कीजिए। अपने सर पे ज़्यादा बर्डन मत कीजिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। धनुराशि, धनुराशि बड़ी हुई जिम्मेदारियां परेशान कर रही हैं, जिससे कभी कोई राहत नहीं दिखाई देती। आपकी शिकायत जो है कुछ लोगों ने की है आपके काम को, लेकिन कुछ कर नहीं पाएंगे वो, ये भी मैं आपको कह सकता हूँ। देखिए, जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव कीजिए, पौष्टिक खाना खाइए, बेहतर रहेगा। आज का दिन खास रहेगा आपके लिए, क्योंकि आप अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करेंगे और बहुत खुलकर बात करेंगे, और लंबे समय के बाद कुछ समय आपको बहुत सारा समय आपको मिल जाएगा।
नई ताजगी आपके जीवन में कल आएगी रिलेशनशिप्स को लेकर, और कहीं ना कहीं स्थितियां आपकी बहुत बेहतर होंगी। जो आप करना चाहते हैं कल कर पाएंगे, बस आपको धैर्य बना कर रखना है और खुले माइंड के साथ आपको आगे बढ़ना है। दिन अच्छा है आपके लिए, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो मकर राशि वालों, थोड़ी सी स्थितियाँ ऐसी हैं कि हर चीज़ खूबसूरत चीज़ अच्छी हो ज़रूरी तो नहीं, इसलिए अनावश्यक खर्च जो है वो परेशान कर रहे हैं। खर्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मकर, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ आपसे। आज सुंदरता से संबंधित कुछ उपचार लेने का प्रयास करेंगे और पूरा दिन थोड़ा सा खर्चा करते हुए मुझे दिखाई देंगे। थोड़ा सा निराशा का अनुभव करेंगे क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ होने के बाद भी, करने के बाद भी कोई आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समय का थोड़ा खेल है। अगर आप सिंगल हैं तो आप इस बात को अपने आप के अंदर लेके ना आए। देखिए, आप किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी के साथ कटु वचन ना बोलें तो बेहतर रहेगा। आज का दिन अपनी प्रतिभा को उच्च अधिकारी को पहुंचाने तक आपको कार्य क्षेत्र में कुछ ऐसा करना होगा कि वो आपको के इस बिहेवियर को पहचाने और समझें। कुल मिलाकर दिन ठीक कहूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों, आज सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहोगे। आपका उद्देश्य यह है कि आप अपना काम को पूरा करो। आपकी प्रवृत्ति ऐसी है कि आप खुश दिखते हो लेकिन अंदर से थोड़े से दुखी हो। जहाँ तक दूसरों के बारे में आपकी राय का सवाल है, उसमें थोड़ा सा नियंत्रण रखें, और नहीं तो आपको गलत लिया जा सकता है। देखिए, किसी की बुराई कल ना करें, और खासतौर से किसी थर्ड पर्सन से तो बिल्कुल ना करें। आप नहीं जानते उसको कि वो आपके साथ कैसा रिएक्ट आने वाले दिनों में करेगा। अपने प्रियो के साथ बैठाने का अगर मौका मिले तो ज़रूर बैठिए। किसी तरीके का कोई गुस्सा इत्यादि ना करें। अपने पार्टनर को ही समझाने का समय दीजिए कि आप उनके साथ काफ़ी हद तक काम करना चाहते हैं। आज आप प्रोफेशनल तरीके से काम करें तो बेहतर रहेगा, और उनके साथ ज़रूर काम करें जो आपके खराब टाइम में आपके साथ लगे रहते हैं, साथ रहते हैं। कुल मिलाकर दिन अच्छा है और देखिएगा आपकी स्थिति ज़रूर सुधरेगी। मीन राशि वालों, आज आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। आपके दिमाग में कुछ नई योजनाएं आ सकती हैं। अच्छी बात यह है कि आप नए विचारों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आज दिन की शुरुआत थोड़ी सी धीमी हो सकती है लेकिन अंत बहुत अच्छा होगा, और आपको सकारात्मक रवैये के कारण आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आज आपके दोस्त सहकर्मी आपके साथ काम करते हुए यहाँ दिखाई देंगे, और कहीं ना कहीं लव लाइफ आपकी कल अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। आज आप अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए कुछ स्वाभाविक तरीके से काम नहीं करने का मन करेगा। कुछ समय ऐसा आएगा दोपहर के बाद जब आपका मन नहीं करेगा, तो ये आलस जो है थोड़ा सा मैं कहूँगा दूर कर लीजिए तो बेहतर रहेगा। इससे आपको नुकसान हो जाएगा। आप अपने काम पे थोड़ा सा फोकस कर लें तो बेहतर रहेगा। कुल मिलाकर दिन तो अच्छा है वैसे तो। दोस्तों, अब ऐसे कहूँगा ये भटनागर अभी जो है इसमें 24/11 और जोड़ लीजिएगा। इसको मैं कल करेक्ट कर दूंगा, वीडियो में स्टार्ट कर चुका था इसलिए मैंने दोबारा से रेक्टिफाई नहीं किया। 9411848508 मेरा नंबर है, और भटनागर अभी 24/11 जो कि ये जो है आपको ये दिख रहा है, ये पूरा ही जो है वो इंस्टाग्राम पर है, तो आप जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं। आज ही सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस लाल बटन को, साथ ही दबाइए इस बेल आइकन को, जिससे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।